दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम काशनी बूटी के फायदे लाभों के बारे में औषधीय गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों काशनी बूटी औषधीय गुणों से भरपूर मानी गई है। यह यकृत के कफावरण को हटा देती है और उसकी कार्य क्षमता को खूब बढ़ा देती है, जिससे कार्य स्वाभाविक रूप से होने लगता है और यकृत रस पित्त रस का ठीक से स्राव होने लगता है और उसकी कमी से होने वाली जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। इसके प्रयोग से मूत्र खुलकर आने लगता है। यही नहीं, काशनी रक्त की सफाई करती है, जिसे रक्त की अनावश्यक गर्मी व दोषों का नाश हो जाता है और वातवाहिनी नाड़ियों पर यह सामक प्रभाव डालती है, जिससे वात पीड़ा वात परेशानियों में भी यह लाभ देती है, जिससे अच्छी नींद आने लगती है। काशनी जड़ जो है गर्म तासीर की होती है, अतः इसका प्रयोग करने से जनन तंत्र की शुद्धि होती है, विकृतियां नष्ट हो जाती हैं और मासिक चक्र की रुकावट रोग दोषों का नाश होकर महीना खुलकर आने लगता है, जिससे तंत्र में उत्तेजना की वृद्धि होती है। दोस्तों काशनी बीजों व पत्रों के गुण समान माने गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप से इसके पत्रों पर कुछ खास गुणकारी रासायनिक तत्व होते हैं जो धोने से धुल जाते हैं। अतः पत्रों को धोना नहीं चाहिए, बिना धोए ही साफ करके उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कहते हैं बोई गई काशनी गुणों में अधिक होती है, जिसमें शीत व तरावट लाने वाले गुण विद्यमान होते हैं। काशनी पत्र पित्त विकृति, लीवर रोगों, गर्मी, जलन की परेशानी, मूत्र की परेशानी, मूत्र की जलन में सूजन आना, श्वास, खांसी, पीलिया, खून की कमी, तिल्ली आदि रोगों का नाश करने में भी अद्भुत मानी गई है। वहीं दोस्तों काशनी बीजों के क्वाथ में बनफ्सा शरबत मिलाकर पिलाने से अच्छी नींद आती है और अनिद्रा की परेशानी में भी लाभ मिलता है। वहीं दोस्तों मसूड़ों, दांतों के दर्द में काशनी बीजों के क्वाथ से कुल्ला करने से अच्छा लाभ मिलता है और मसूड़े, दांत साफ सुध हो जाते हैं और उनमें होने वाली परेशानी, संक्रमण, इन्फेक्शन आदि में लाभ मिलता है। दोस्तों मूत्र संस्थान की शुद्धि के लिए काशनी बीजों का चूर्ण प्रयोग करने से लाभ होता है। दोस्तों इसके लिए काशनी बीजों के चूर्ण को काशनी के पत्रों के ही रस के साथ पिलाने से बहुत लाभ होता है। कहते हैं दोस्तों काशनी की जड़ के प्रयोग से आमवाद, वात रक्त, गठिया, जोड़ों के दर्द, जोड़ों की सूजन आदि में भी बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि काशनी की जड़ गर्म तासीर की होती है और यह ठंडी यानी शीत प्रकृति के कारण होने वाले रोग दोषों में भी लाभ करती है। यही वात विकृति के कारण दर्द पीड़ा की जो समस्या है उसमें यह बहुत लाभदायक मानी गई है। जबकि काशनी के पत्ते, बीज दोनों ठंडे होते हैं। दोस्तों विद्वानों का कहना है कि पित्त की थैली की पत्थरी को निकालने, उसको घोलने के लिए भी काशनी बूटी बहुत गुणकारी है। काशनी की जड़ गोखरू, तरबूज गिरी, सौंफ का चूर्ण सभी को समान मात्रा में मिलाकर रख लें। दोस्तों इस चूर्ण को 3-3 ग्राम की मात्रा में सुबह, दोपहर, शाम सेवन कराने से बहुत लाभ मिलता है और पित्त की थैली की पत्थरी घुलकर निकल जाती है। इस प्रकार काशनी बूटी बहुत गुणकारी जड़ी बूटी है। इसके द्वारा काशनी अर्क, काशनी शरबत, काशनी फांट, काशनी क्वाथ, काशनी पोटली आदि का भी निर्माण किया जाता है और आयुर्वेद में खूब इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं काशनी बूटी के बारे में और अधिक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।